प्रिय बच्चों, अभी हम लोगों ने अप्रैल मई के अंदर जो भी संस्कृत भाषा में कुछ प्रकरण पढ़े, विशेष रूप से शब्द रूप, धातु रूप और गणना समय, तो विद्या भारती के पाठ्यक्रमानुसार अपना जो गणना है और समय, ये चार नंबर का आता है, यानी चार नंबर अर्धवार्षिक परीक्षा और चार नंबर वार्षिक परीक्षा में यही पाठ्यक्रम आता है। तो आज हम और आप मिलके संस्कृत भाषा में गणना का अभ्यास करेंगे। गणना यानी हिंदी में गिनती, आंग्ल भाषा में यानी इंग्लिश में उसको हम लोग काउंटिंग जो बोलते हैं। अगर हम और आप विचार करें, वास्तव में सबसे कठिन यदि कोई गणना है यानी गिनती है तो वो हिंदी की है, क्योंकि हिंदी में एक से लेकर 100 तक हर गिनती का एक नया नाम है। मान लो कोई रिपीट एक भी वर्ड नहीं है, जैसे इंग्लिश में क्या है, हमें 1 से लेकर 19 तक याद करनी होती है, फिर 20, 20 के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 रिपीट होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही 30 आता है और 30 के बाद में फिर 1, 2, 3 रिपीट होता है, जबकि अपने हिंदी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हिंदी में यदि 31 है तो उसके लिए 31 अलग है, 32 के लिए 32 अलग है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि इंग्लिश की काउंटिंग है तो उससे भी ज्यादा सरल है संस्कृत की गिनती। तो आज हमारा संस्कृत की गणना का अभ्यास करेंगे, एक दो बातों को ध्यान से आप समझ लेंगे यदि, तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बहुत कम समय के अंदर। आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी है, यानी 1 से 10 तक गिनती लिखी है। क्रमशः देखिए, एक बार उच्चारण कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो काउंटिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 1 से 10 तक हमने क्रमशः लिखी। उसके बाद आप देखिए, फिर हमने 20, 30, 40, 50, 60, 70 वगैरह की संस्कृत लिखी, यानी 20 विंशतिः। इन गणनाओं का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। बहुत सारे भैया क्या है, इसको विंशतिः को विशंति बोल देते हैं, विशंति नहीं है, विंशतिः। 30 यानी 43, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी 100 तक गिनती हम लोगों ने देखी। अब हमें ध्यान क्या रखना है गणना समझते समय, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। मान लो हमने कोई सी भी काउंटिंग इंग्लिश में जो समझनी हुई है उसे आप इंग्लिश में लिख लीजिए, जैसे आपने लिखा 21, हमने इसको इंग्लिश में लिखा 21। संस्कृत भाषा क्या कहती है, इंग्लिश का ठीक विपरीत कर दीजिए संस्कृत भाषा में, अर्थात जैसे ये 21 है तो पहले 1 की संस्कृत बना दीजिए, उसके बाद 20 की बना दीजिए, यानी ये 21 है ना, तो पहले 1 की संस्कृत बनेगी उसके बाद 20 की बनेगी। जब 21 आप लिखते हैं ना, तो बहुत सारे भैया इस 1 की संस्कृत बनाने के बाद ये 2 समझ लेते हैं, 2 ये नहीं है, यानी 1 के बाद ये 20 है। तो सबसे पहले 1 की संस्कृत जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 1 की संस्कृत क्या है, एकाह। तो यहां से 1 की संस्कृत लिखेंगे एकाह और 20, यानी पहले 1 की संस्कृत बन गई, उसके बाद हमें 20 की बनानी है, यानी 21। तो 1 के बाद हमें 20 की संस्कृत बनानी है, तो 20 की हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 20 अर्थात विंशतिः। तो यहां पर हम लिखेंगे विंशतिः यानी 20। हमें यह ध्यान रखना है कि यदि हमने इंग्लिश में 21 बोला तो संस्कृत में 1 की संस्कृत पहले और 20 की बाद में, तो एकः विंशतिः। ऐसे और कोई सी काउंटिंग ले लो, जैसे मान लो हमने यहां पर ले ली 33, तो 33 में क्या, ये 3 है और ये क्या है 30, तो पहले 3 की
संस्कृत आप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिपि संस्कृत त्रया। आपको इधर देखने में आसानी होगी, त्रिपि संस्कृत है त्रया। इसके बाद में त्रिपि जब संस्कृत हमने बनाई तो ये क्या है? थर्टी। थर्टी की संस्कृत यहां से उठाइए तो क्या है? त्रिमुषा, यानी त्रया त्रिमुषा 33। ऐसे ही कोई सी भी काउंटिंग आप लीजिए, इंग्लिश में बोलिए और उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखी 49, तो हमने इंग्लिश में क्या बोला? पहले 40 बोला, उसके बाद 9 बोला। संस्कृत भाषा क्या कहती है? पहले 9 की बोल दीजिए, उसके बाद 40 की बोलिए। तो 9 की संस्कृत यहां से आप देखिए क्या है? ना। तो 9 की संस्कृत हमें लिखनी है ना। ये क्या है? 40 है ना, तो 40 की संस्कृत देखिए यहां से, तो 40 की संस्कृत क्या लिखी हुई है? चत्वारिंशत। तो यहां पर लिखेंगे चत्वारिंशत। तो नव चत्वारिंशत, ये नव चत्वारिंशत। ऐसे ही और कोई सी भी एक से लेकर 100 तक की आप काउंटिंग लीजिए। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो चत्वारा यानी 4 है, यदि ये किसी के साथ में आएगा तो इसको हम लोग चतुर्थ बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखना, यदि 4 किसी के साथ में आता, जैसे 10 के साथ आता तो 14, 24, 34। तो एक काउंटिंग इसको देख लीजिए। मान लो आपने लिख लिया 54, तो यहाँ 54 में 4 साथ में है किसके? 50 के। तो हम यहाँ पर इसको चतुर्थ बोलेंगे, ना कि चतवारा। तो यहाँ पर 4 की संस्कृत लिखेंगे चतुर्थ, और इसके बाद में 50 की संस्कृत लिखेंगे पंचाशत, यानी चतुर्थ पंचाशत। अब आप लोगों को यह ध्यान रखना है, जब भी कोई काउंटिंग बनाए केवल 4 में ध्यान रखना, शेष सारी काउंटिंग ऐसे ही चलेंगे। और किसी भी प्रकार से काउंटिंग में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, केवल इंग्लिश की काउंटिंग को ध्यान रखना, उसका ठीक उल्टा करना, तो संस्कृत की हमारी गणना तैयार हो जाएगी। आज का पाठ्यक्रम अपना इतना, फिर शेष आगे हम लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद।